मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना पड़ता है जो बच्चों से लड़ता है। सदर अली मर्तबत, मैं जब तारीख के चंद बरस पलट कर देखता हूँ तो खुद को बहुत बेबस महसूस करता हूँ। जनाब सदर, 16 दिसंबर 2014 को एक रोशन सुबह नमूदार हुआ, लेकिन उस रोशन सुबह को जालिम दुश्मन ने खून से रंग दिया और खून की ऐसी होली की ली गई जिसकी चिंटे हर माँ के दामन पर जा गिरे। जनाब सदर, मैं सोचता हूँ कि इन माओ पर क्या बीती होगी, इन माओ पर क्या बीती होगी जिन्होंने सुबह दुआ के साथ अपने बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया, मगर कुछ ही देर में वो बच्चे इनको कपन में लिपटे मिले। इन बच्चों के दिलों पे इस्लाम में गुजरता वो खौफ सोचकर हर दिल से आह निकलती और हर आंगनम हो जाती। स्कूल में बिक्रे नन्हे जूते और किताबें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अपनी जान बचाने के लिए इन मासूम जानों ने किस हद तक कोशिश की। जनाब सदर, इन माओ पर क्या कयामत टूटी होगी जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया और फिर आखिरी सफर के लिए रुखसत किया। सुन्नत फिरऔन अदा हुई है इस्लाम के नाम पर, सुन्नत फिरऔन अदा हुई है इस्लाम के नाम पर, जन्नत बढ़ रही है यहाँ बच्चों के कत्लेआम पर। मेरे पाकिस्तान के मासूम बच्चों को इन दुश्मनों ने लहूलुहान कर दिया। आज 140 से ज्यादा मासूम बच्चों की शहादत को 7 बरस हो गए हैं। मुअज्जज हाजरीन, शहीद न जा भाग होता है और न ही मुर्दा कहलाता है, बल्कि शहीद तो जिंदा रहता है। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, ए मेरे वतन के शहजादो तुम जिंदा हो, खुशबू के रूप में है फूलो तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। जनाब सदर और मुअज्जज हाजरीन, इन माओ की लख्त जिगर अल्लाह की बारगाह में दाखिल हो गए और इन अजीम माओ को अपने शहीद बेटों पर फख्र महसूस हुआ। इन माओ को इस बात का यकीन है कि इनके बच्चे अल्लाह की जन्नत में मौजूद हैं, वहाँ इनको न खौफ है न डर। रोती नहीं कभी भी शहीदों से लिपट कर, रोती नहीं कभी भी शहीदों से लिपट कर, ये हौसला मेरे वतन की माओ का है। जनाब सदर, मैं समझता हूँ कि 16 दिसंबर 2014 को होने वाला सानिहा ऐसा सानिहा है जो कौम का जोश और जज्बा जिंदा कर दे, जो कि वक्त ही ना हो बल्कि कायम रहे। इन मासूम नन्हे परिश्तों की शहादत को रायगा न जाने दिया जाए। ये सब तभी मुमकिन है जब हम सब एक हो जाए, अपने अंदर के इंसान को बदले, दूसरों पर तनकीद की बजाय अपनी जात में तब्दीली लाए, जुल्म होते देखकर खामोश रहने की बजाय इसके खिलाफ आवाज उठाए और जुल्म को रोकने की कोशिश करे। मेरी दुआ है रब्बे कायनात से, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तो इन दरिंदों को हिदायत दे और वतन पाकिस्तान की बहादुर माओ को इन सबर पर अजर अजीम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।